ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम बात करें कि क्या वाकई में राजस्थान की राजनीति की फिजा धीरे धीरे बदल रही है और इस फिजा को राहुल गांधी समझ रहे हैं और यही वजह कि वो तेजी से रणनीति अभी से दिसंबर के चुनाव के लिए बनानी शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में वो कांग्रेस के घोड़ों को साध पा रहे हैं और क्या वाकई में जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव हो रहे हैं उससे बीजेपी संभल पा रही है और बीजेपी खुद ये समझ पा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए एक्टिव हो रही है, इस पर हम बात करें। और इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विश्लेषक के तौर पर मानचंद खंडेला जी हैं, कांग्रेस से संगीता गर्ग जी हैं, बीजेपी से दीपक भाकड़ जी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। संगीता गर्ग जी, तमाम नाकामियां आप गिनाने के लिए सड़कों पर आएंगे, ये शब्द मैं जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि चार सालों में नजर नहीं आए, तो किसके नेतृत्व में नजर? गलत कह रहे हैं आप ये कि हम नहीं आए, आप ये गलत कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने हमेशा जनहित के मुद्दों को सड़कों पर उठाया है और सरकार को सचेत किया है। ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि पीसीसी ऑफिस के अंदर से गंभीरता के साथ मुद्दों को उठाया गया, अब ठीक है? मैं पीसीसी से क्यों, सड़कों पर उठाया हमने, सड़कों तक उठाया है। आप क्या बात कह रहे हैं? लोग नहीं थे। मैम, पांच मुद्दे मुझे गिना दीजिए। आप किसानों का भूमि अधिग्रहण बिल किस वजह से वापस हुआ आप बताइए, विजेंद्र जी बताइए ना। नहीं नहीं, राजस्थान में आप मुझे बता सकते हैं पांच बड़े आंदोलन कांग्रेस ने कौन से कर दिए आप बीते चार सालों? काला कानून के खिलाफ हमने आंदोलन, काला कानून के खिलाफ कांग्रेस ने क्या किया? लोग तो कांग्रेस के इकट्ठे नहीं होते। काला कानून के, ठीक है संगीता जी, काला कानून के खिलाफ जरा बताइए कहां पर कितना बड़ा मार्च निकाल दिया? कितना बड़ा कैसे? विधानसभा के बाहर हमने विधानसभा का घेराव प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, प्रोटेस्ट किया था, पत्रकारों ने किया था, हम जेल गए, मैं जेल गया, ठीक है, क्या बात करते हैं? नहीं नहीं सर, वो ठीक है, वो कह रहे हैं प्रोटेस्ट किया, बड़े आंदोलन का मतलब प्रोटेस्ट किया, ठीक है मैम। दूसरा बताइए, कितनी गिरफ्तारियां हुई विजेंद्र जी? हमारी गिरफ्तारी ज्यादा हुई आपसे तो, आपको तो श्याम जी, हमने तो आपकी आवाज को और बड़ा चढ़ा, आपको तो पता ही नहीं था कि काला कानून आ गया और लागू हो गया, आपको तो लेट मानू पड़ा। विधायकों को ये भी नहीं पता था कि काला कानून आने वाला है, लेकिन हमने इस मुद्दे को पूरा उठाया और विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने उठाया, स्वयंसेवी संगठनों और पत्रकारों ने सबसे ज्यादा उठाया। ठीक है संगीता जी, छोड़ देते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, दूसरा बताइए, वहाँ पर मौजूद थी, ठीक है, दूसरा बताइए, बड़ा आंदोलन जो जनहित के लिए किया गया, कहा भूमि किसानों का जो भूमि अधिग्रहण बिल जो मोदी जी लेकर आना चाहते थे, पूरा किसानों को मारने की उन्होंने रणनीति बना ली थी, किसकी वजह से रोल बैक हुआ? तीसरी मैं बताऊं, राजस्थान के कहने पे बदल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब किसानों का आंदोलन तो कर रहे हैं माकपा वाले, आप तो शक्ल देख रहे हो खाली। 100 किलोमीटर की किसानों के लिए न्याय यात्रा, अरे तो आप किसान अभी में क्या हो रहा है, आप तो फिर भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, मुझे एक बड़ा आंदोलन याद आ रहा है, एक बड़ा आंदोलन मुझे याद आ रहा है जब कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया था, उस दौरान जिला स्तर पर कांग्रेस ने विरोध किया था, ये मुझे एक बड़ा आंदोलन याद आ रहा है। मेरी बात सुनिए विजेंद्र जी, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, मैं तो जनहित के मुद्दों को बताना चाह रही हूँ कि पेंशन के तहत जो पेंशन योजना कांग्रेस ने चालू करी थी उसके तहत 2.5 से 3 लाख लोगों की पेंशन बंद हुई थी, उसके विरोध हमने, उसका हमने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, यहाँ पे उपवास रखा हमने, यहाँ पे सिविल लाइन के बाहर, ठीक है, सिविल लाइन के बाहर उपवास रखा सुबह 11 बजे। मेमोरी कम है, मैं उम्मीद करूंगा कि जनता की मेमोरी कम ना हो, वो समझे कि किस तरीके से आंदोलन कहाँ कब कब किया गया, और अगर कांग्रेस ने मुद्दों को उठाया तो अच्छी बात है, विपक्ष की भूमिका निभानी भी चाहिए मैम, ठीक है। दीपक भाकर जी, अभी तक विपक्ष को बीजेपी जो है वो कमजोर समझ रही थी, बीजेपी हल्के में ले रही थी, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से धड़ाम बीजेपी पड़ी है और अब राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यहां पर अभी से रणनीति बना चुकी है, सर अब भी हल्के में लेने के लिए सोचेंगे? देखिए, कभी भी हम विरोधी की ताकत को कम नहीं आंकते, भले ही वो संख्या बल में हमारे से बहुत कम हो, 25 हो, और हो सकता आगे भी कम हो, ठीक है सर, लेकिन आपके बयान हो सकते हैं बाकियों से इतर हो, ये मान लेते हैं सर। नहीं सुनिए सुनिए विजेंद्र जी, हो सकता कम भी हो जाए, देखिए चुनाव के लिए स्वयं मुख्यमंत्री ने कह दिया वेकअप कॉल था, और देखिए हम तो समझ गए, आप ये बताइए 8 बजे चुनाव रिजल्ट आता है, आधे घंटे बाद से कांग्रेस में सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है, हम लोग आज यूनाइटेड हैं और आने वाला चुनाव हम मिलकर लड़ने वाले, आपको फिर आपको बताने वाले जी, वो दिख रहा है ज्ञान दे दीपक जी, यूनाइटेड का मतलब की बात कर रहे हैं, दीपक जी यूनाइटेड का मतलब बेहतर प्रदर्शन करने वाले, दीपक जी यूनाइटेड का मतलब ज्ञानदेव आहूजा, घनश्याम तिवारी जी, आप देखिए, आप बताइए विधानसभा में क्या चाहते हैं? प्रहलाद गुंजल, क्या कोई व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठाए, अपनी बात नहीं कहे,
आप देखिए भवानी सिंह राजावत, ये खूबसूरती है लोकतंत्र की और भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको एक एक नाम गिना रहा हूँ, यूनिटेड का मतलब क्या है। मैं सहमत हूँ आपसे, पर मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में रहती है कि किसी भी व्यक्ति को फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी बात कहने का मौका मिले और मिलता है। हमारी पार्टी है, आप कांग्रेस में, आप कांग्रेस में कब्जा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति राहुल गांधी या कुछ भी ऐसी बात बोल सकता है जो उनके नेता के खिलाफ जाए। 25 में से एक विधायक है, वही नेता है, वही उपनेता है, वही प्रवक्ता है इनका, और वही उनका वही सब कुछ है। ऑल इन वन फिनोमेना एक विधायक के साथ चल रहा है, बाकी 24 के 24 मैच फिक्सिंग के वाला आरोप इनके ऊपर लग चुका है। ये आपस में फिक्सिंग कर रहे हैं। ना कीजिए, जब ये आरोप लगाया गया था उस दिन हुआ क्या था, ये ना इसका जिक्र ना कीजिए। अभी इन्होंने कहा कि हमारा हमारे उपनेता है, नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, प्रवक्ता है, वो एक आप अपनी बात करें ना, क्यों मैं आपकी बात बता रहा हूँ। एक व्यक्ति आप भी जानते हैं, मैं वो सरकार में हूँ, उनको प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है, उनको प्रवक्ताओं की जरूरत है ही नहीं। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, सर आपको याद होगा कि जब अमित शाह जी यहाँ पर आए थे तो 8 मंत्रियों को प्रवक्ता बनाया गया था, उसके बाद सब वापस हो गए। फिर बारी आई अशोक लाहोटी जी की, वो मेयर बन गए, उनको भी एक साल से ऊपर हो गया। एक तरफ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वेकअप कॉल था, उसके बाद भी जाकर किसी को प्रवक्ता बनाया नहीं जा रहा। आखिर मीडिया को लेकर जनता के बीच में किस तरीके से बीजेपी प्लान करेगी? देखिए विजेंद्र जी, मैं आप उस भाकर जी सर सुन लीजिए, मैं भी तो बोलना होता था, नहीं मुझसे पूछा श्याम जी से। देखिए बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व ने एक दर्जन लोग भेज दिए हैं, अब इनके यहाँ कार्रवाई करने का सिस्टम, यूपी वाले जो चुनाव प्रबंधन कर रहे थे वो यहाँ आ चुके हैं। अब इन प्रवक्ता क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ सब नजर चंद्रशेखर जी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी इनको। अब इनका सिस्टम बदल रहा है, अभी भाकर जी को पता हो तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पर लोग आ गए हैं, सुबह इनको दे दिया जाता है कि ये कार्यप्रणाली है, इस योजना के अनुसार दिन भर काम चलेगा और शाम को क्या रिपोर्ट बताइए। तो अब क्योंकि अब नहीं पूछेंगे परिणामी जी को, नहीं पूछा जाएगा वसुंधरा जी को, केंद्रीय नेतृत्व तो जो कुछ कहेगा वो कुछ अब इनकी पार्टी में होने वाला है। ये स्थिति नई, परिवर्तन हो गया है, अब परिवर्तन उससे और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हस्तक्षेप जितना केंद्र का बढ़ेगा, अब अमित शाह और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप सीधे तौर पर बीजेपी कार्यालय में होना दिख रहा है। सर जैसे कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का हस्तक्षेप बढ़ेगा, वही 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 वाली प्रवृत्ति दोनों जगह आ गई। ठीक है, तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या ये राजस्थान का प्रादेशिक चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी होगा? देखिएगा कि चुनाव निश्चित रूप से ये तो कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व आज 2013 के चुनाव हुए थे जब मोदी की कई फोटो नहीं नजर आई थी, कहीं उनका नेतृत्व नजर नहीं आया था, उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया था, लेकिन 2018 के चुनाव में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और वसुंधरा जी की फोटो कितनी छोटी होगी कितनी बड़ी होगी वो सब बातें 8 तारीख को निर्भर होगी कि वो प्रधानमंत्री जी क्या संदेश देखे जाते हैं। ठीक है, मानचंद खंडेला जी, मानचंद खंडेला जी, बाकर जी बस एक मिनट में वापस आपके पास आ रहा हूँ। मानचंद खंडेला जी, तो क्या वाकई में श्याम सुंदर जी की राय को मान लिया जाए कि ये चुनाव जो है मोदी बनाम राहुल गांधी होगा, प्रादेशिक स्तर पर सब मोहरे नजर आएंगे? देखिए मैं तो कह रहा हूँ मोहरे नहीं, नजर ही नहीं आएंगे, मेरा तो ये मानना है। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी आपके समित पात्रा जी यहाँ पर आए, बड़े प्रखर जो है आपके प्रवक्ता माने जाते, उन्होंने क्या कहा, गुस्सा हुए वो, इंसल्ट किया और ये कहा कि आपके यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है क्या, और आपने फिर क्या, आप उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि आपके यहाँ प्रवक्ता कौन है, बोले लाहौटी जी, बोले लाहौटी तो मेयर है। इस बातों का जवाब नहीं था आपके पास में, मतलब क्या है कि अब देखिए मैं इसके संदर्भ में बात क्या हुई, संदर्भ बात ये, अभी तक वो जो मस्त थे अब वो पस्त हैं, पहले मस्त थे इसलिए कुछ नहीं किया, अब वो पस्त हैं अब क्या करें, अब कर नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल जो है सही बात कह रहे हैं, और मैं ही जो है लगातार यही बात कहता हूं। अब मान लीजिए केंद्र नेतृत्व जो सब कुछ होगा, और लोकल नेतृत्व कहो या केवल नेतृत्व कहो, जिसमें पार्टी भी समाहित है और सरकार भी समाहित है, उसका वजूद धीरे धीरे कम होगा, और ये करंट लगा लगा कर देखेंगे कि वास्तव में रिएक्शन क्या हो रहा है, और जहां पे रिएक्शन कम हुआ फ्यूज की तरह वहीं पे जाना आउट कर देंगे। और मेरा ये मानना है, फिर मैं कह रहा हूं बार बार, कि 18 में चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव भी 18 में ही होंगे, इसलिए जो है वास्तव में जो है ना ये नेतृत्व तो यहाँ पर नहीं रहेगा, रहेगा। सर आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे 2018? मेरा ये मानना है, मैं सहमत हूं, मुझे ऐसा लगा, सुनिए क्यों, क्योंकि ग्राफ जो है ना ऊपर वालों का ग्राफ है वो नीचे वालों की तुलना में ज्यादा गिर रहा है, मतलब गिरने की लड़ाई हो रही है कि किसका ज्यादा गिर रहा है, इसलिए उसको थामना चाह रहे हैं। ये तो अच्छा, ये उनकी स्ट्रेटजी है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो इसी हिसाब से तो फिर ये भी कहा जाए कि राहुल गांधी भविष्यवक्ता हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि 2018 में एक साथ चुनाव हुआ तो अभी से राजस्थान में एक्टिव होना बेहतर है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि उनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनके जो सलाहकार हैं, वो नो डाउट कि पहले से बहुत बढ़िया हो गए हैं। ठीक, और अब वो नाप तोड़ के बोलते हैं
कटाक्ष करके बोलते हैं और सीधे बोलते हैं और तर्क के आधार में। ठीक है दीपक भाकर जी, आप तो अंदर तक जानकारी रखते हैं सर, तो फिर मान लिया जाए कि प्रदेश के अंदर जो सरकार है या फिर जो पार्टी है वो अब पूरे तरीके से केंद्र के नेतृत्व में काम यहां पर करेगी, खुद के फैसले लेने से पहले केंद्र से पूछा जाएगा और वो जो वहां से गाइड करेंगे या फीड करेंगे वो यहां पर निकलकर सामने आएगा। देखिए ऐसा नहीं होता, हमारे एक फेडरल सिस्टम है जहां पे एक मजबूत केंद्र होता है और बाकी उसकी शाखा है। सर एक प्रवक्ता है नहीं, मजबूत केंद्र की बात कर रहे हैं, प्रवक्ता नहीं है। मैं आपको चर्चा के शुरुआत में मैं आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी आप, अरे 23 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है, उसके पहले नौबत ही नहीं आएगी जी शाम जी 23 तक। एक सोशल मीडिया पर एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है, ठीक है दीपक भाकर जी सोशल मीडिया पर दो नाम बड़ी तेजी से फैल रहे हैं सर, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर जरा अगर कुछ रोशनी डाल पाए तो। जी बिल्कुल, क्या प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा जा रहे हैं? देखिए मीडिया स्वतंत्र से अपना कयास लगाने के लिए। अच्छा वो जा रहे हैं लेकिन राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे ये नहीं, गुलाबचंद कटारिया इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन जाए अभी, ये चर्चा बहुत तेजी से चलने लगी है। मीडिया स्वतंत्र से अपना कयास लगाने के लिए कांग्रेस को लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं, क्या अशोक गहलोत राज्यसभा जा रहे हैं? देखिए जाएंगे वो तो गुजरात से जाएंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, अब मैं तो तय कर नहीं सकती कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा, लेकिन जो चर्चाएं चलती हैं वो अच्छा, तो मानते हैं कि ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए मैं आपके माध्यम से सुन रही हूँ, मुझे तो चर्चा भी नहीं पता। ये ठीक है मैम, ना आप रमेश मीणा को सुन पाते हैं ना सोशल मीडिया को सुन पाते हैं, ठीक है मैम। मैं प्रदेश क्योंकि ऑटो पायलट मोड में अगर कांग्रेस है तो फिर मानकर चल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट की ऐसा हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं मजा है क्योंकि ब्रेक के बाद जनता की रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जनता इस मुद्दे पर क्या कुछ कहती है। छोटे से ब्रेक के बाद जल लौट रहे हैं। कांग्रेस की जो मानसिकता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूटते देर नहीं लगेंगे। वो एक दिखा पाए, वो भी छला पाए, एकजुट गए। कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग क्या है कि मतभेद हो रहे हैं वो सामने पड़ा है। मेरे को ज्यादा, मेरे से ज्यादा लोग समझदार हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो दुनिया देख रही है, जनता एकदम जागरूक हो चुकी है, वो जान रही है कि कैसे कैसे लोग हैं।